हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय मोहिनी किशन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सदगुरु कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, मिरजगांव। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट फ्लावर जैस्मिन अंडर ओपन कंडीशन। जैस्मिन इंक्लूड्स द डिफरेंट फ्लावर्स लाइक मोगरा, जाई, जुई, चमेली, कुंदा। द बॉटनिकल नेम ऑफ मोगरा जैस्मिनम सिम्बैक। बॉटनिकल नेम ऑफ जाई जैस्मिनम ऑफिसिनल। बॉटनिकल नेम ऑफ जुई जैस्मिनम ऑरिकुलेटम। चमेली जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम एंड कुंदा जैस्मिनम प्यूबेसेंस। दिस इंक्लूड्स फाइव फ्लावर्स अंडर अ जैस्मिन। फर्स्ट वन मोगरा, सेकंड जाई, थर्ड जुई, फोर्थ चमेली एंड फिफ्थ वन कुंदा। फैमिली ओलियासी। ओरिजिन ईस्ट इंडीज एंड क्रोमोसोम नंबर 2n=26। इट इज द फ्लावर्स इंक्लूड्स इन जैस्मिन मोगरा, जाई, जुई, चमेली एंड कुंदा। वी कैन सी इन दिस इमेज इमेजेस ऑफ फ्लावर मोगरा, जाई, जुई, चमेली एंड कुंदा। द नेक्स्ट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। जैस्मिन फ्लावर्स आर वाइट इन कलर, सेंटेड एंड प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ऑफ वेनी, गार्लैंड एंड फ्लोरल डेकोरेशन। जैस्मिन फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ ए वेनी, मेकिंग ऑफ ए गार्लैंड एंड फ्लोरल डेकोरेशन। ऑल्सो दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ अत्तर और इसेंशियल ऑयल फॉर अ परफ्यूम। फ्रॉम द जैस्मिनम फ्लावर्स वी कैन मेक द परफ्यूम्स, मेकिंग ऑफ अत्तर, मेकिंग ऑफ अ इसेंशियल ऑयल, हेयर ऑयल। अमॉन्ग द वेरियस फ्रेग्रेंट स्पेसिस ऑफ जैस्मिन मोगरा हैज हाई कमर्शियल वैल्यू। इन ए जैस्मिनम स्पेसिस मोगरा हैज अ हाई कमर्शियल वैल्यू। अमॉन्ग द फ्लावर्स लाइक जाई, जुई, चमेली एंड कुंदा, मोगरा हैज अ हाई कमर्शियल वैल्यू। दिस आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ जैस्मिनम फ्लावर। दिस आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ अत्तर, परफ्यूम्स, डिफरेंट ऑयल्स एंड ऑल्सो यूज फॉर वेनी, गार्लैंड एंड फ्लोरल डेकोरेशन। दिस आर द यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ए जैस्मिनम फ्लावर्स। देन नेक्स्ट अबाउट सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड, पोरस एंड फर्टाइल सॉइल। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैस्मिन इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल, ऑल्सो पोरस एंड फर्टाइल सॉइल। अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशन, इट रिक्वायर्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट फॉर हायर यील्ड। पीएच रेंजेस 6-7। देन नेक्स्ट वराइटीज, मोगरा, मोतिया, मदनबान, रामबान, बेला, विरूपक्षी राई। वराइटीज फर्स्ट वन मोगरा। मोगरा इंक्लूड्स डिफरेंट वराइटीज लाइक मोतिया, मदनबान, रामबान, बेला, विरूपक्षी राई। सेकंड जुई, कोवन, मुलाई, परिमुई, लार्ज राउंड, शॉर्ट पॉइंट। देन थर्ड चमेली और जाई, कोवन, कोयम्बतूर, पिंक पिन। दीज आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ फ्लावर्स मोगरा, जुई एंड चमेली और जाई। देन प्रोपगेशन, जैस्मिन्स आर जनरली प्रोपोगेटेड बाय कटिंग ऑफ ऑलमोस्ट मैच्योर वुड एंड ऑल्सो बाय लेयर्स। द बेस्ट टाइम फॉर प्रोपोगेशन इज अ रेनी सीजन। द बेस्ट टाइम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ जैस्मिन इज अ रेनी सीजन एंड इट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय कटिंग। देन नेक्स्ट प्लांटिंग, जैस्मिन प्लांटेशन रिमेन्स प्रोडक्टिव फॉर 10-15 ईयर्स। सो लैंड शुड बी प्रिपेयर्ड थ्रोली बाय एडिशन ऑफ मैन्यूर्स। द प्लांटिंग इज यूजली डन इन अ रेनी सीजन। जैस्मिन प्लांटेशन आर रिमेन्स प्रोडक्टिव फॉर 10-15 ईयर्स। सो द लैंड इज प्रिपेयर्ड थ्रोली विद हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ ए मैन्यूर्स। देन प्लांटिंग डिस्टेंस, फॉर मोगरा 75 cm × 1 m, फॉर जुई 1.8 × 1.8 m, चमेली और जाई 1.8 × 1.8 m। इट्स अबाउट प्रोपोगेशन, प्लांटिंग एंड प्लांटिंग डिस्टेंस। इट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय कटिंग ऑफ ए मैच्योर वुड्स। देन नेक्स्ट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, एडिशन ऑफ 50-20 tons ऑफ योर फॉयम पर हेक्टर। फर्टिलाइजर डोज इज गिवन 100 × 50 × 50 kg NPK पर हेक्टर। दिस डोज स्प्लिट अप इन टू टू डोसेस, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग ड्यूरिंग जनवरी फेब्रुवरी एंड सेकंड एट द टाइम ऑफ फ्लावर बड फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ मार्च। अबाउट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ 50-20 tons ऑफ योर फॉयम, फर्टिलाइजर डोज 100 × 50 × 50, द डोज इज गिवन इन स्प्लिट डोसेस, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग इन अ मंथ जनवरी फेब्रुवरी एंड सेकंड गिवन फ्लावर बड फॉर्मेशन स्टेज मीन्स ड्यूरिंग अ मंथ मार्च। इट्स अबाउट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। देन नेक्स्ट अबाउट इरीगेशन, इरीगेशन शुड बी गिवन एट एन इंटरवल ऑफ 3-4 days टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैम्पलिंग। इफ नो रेन्स इन रेनी सीजन,
Afterwards, the jasmine may be irrigated at the interval of 50 days. The irrigation to the jasmine given interval of 3 to 4 days in a rainy season. The next special cultural practices follow. First, Bahar treatment. Bahar treatment is essential for flowering in jasmine, and accordingly withholding of water is done for 40 to 50 days prior flowering or till the plant shed it leaves and go into dormancy for a rest. In a jasmine flower, Bahar treatment is essential for a flowering in a jasmine. Means withholding of water means giving a water stress to the plant. Withholding of water is usually done in the month of November-December. Withholding of water means giving water stress to the plant in the month of November to December. After shedding of leaves, irrigation is started. That is, it will be started from January to February. Plant shedding the leaves. After the shedding of leaves, irrigation should be started. And it will be started from the month January-February. That is the Bahar treatment. Then second one, special cultural practices, pruning. Pruning is a regular practice of inducing flowering in Mogra. Pruning should be followed for inducing regular flowering in a Mogra flowers. In Mogra, flowers are born only on new growth, and thus pruning stimulates the new growth. Secondly, it keeps the bushes in manageable size. Pruning helps to bushes in manageable size and structure, giving a framework to the plant, and it helps to improve the new growth or stimulates the new growth. For commercial crop, pruning is usually done after 2 years of its planting and followed in the month of January-February. If we can take a commercial cultivation of jasmine, so pruning is usually done after 2 years and it can be followed in the month of January-February. Generally, pruning is done 45 to 50 centimeters from ground level. It's about pruning. First one, special cultural practices. You can see Bahar treatment means giving water stress to the plant. Second one, pruning. And third, then next one, harvesting of flowers. Jasmine species start flowering from first year of planting, but commercial it starts after second year. It can be start flowering from first year, but obtaining commercial yield from a second year. Mogra is having a very short post-harvest life. The unopened fully developed flower buds are picked very early in the morning and transported within 2 to 3 hours to the market. For harvesting, we can select the unopened fully developed flower buds, and they are picked in a early morning and transported to the market in a 2 to 3 hours due to it having a very short post-harvest life. For Gajra and Veni, fully developed unopened buds are picked, while for extraction of oil, fully open flowers are picked. Among jasminum species flowers, for making of Gajra Veni, unopened buds are picked. But for extraction of oil, fully open flowers are picked. This is about harvesting of flowers. Then next about yield. Mogra 10 to 12 tons per hectare. Jai and Zui 3 to 4 tons per hectare, and Kunda 5 to 6 tons per hectare. It's about harvesting and yield of jasminum species flowers. Mogra, Jai, Zui, Kunda. Okay. It's all about cultivation practices of jasminum species flowers. Mogra, Jai, Zui, Chameli, Kunda. Thank you.